वे कहते मोदी को खत्म करें और मैं कहता हूं आओ मिलकर आतंकवाद को खत्म करें। अप्रैल मई में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाज तमाम पार्टियां वोटरों को रिझाने की कवायद में जुटी है। इसकी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज बिहार में रैली की और विपक्षी महागठबंधन को एनडीए की ताकत दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के रैली के दौरान पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान समेत कई नेता मौजूद हैं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जहां राज्य की नीतीश कुमार की सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं महागठबंधन और आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं भारत को विश्व में ऊपर पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहा हूं और वे मुझे ही हटाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे कहते हैं आओ मिलकर मोदी को खत्म करें और मोदी कहता है आओ मिलकर आतंकवाद को खत्म करें। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। दाश में शहीद पिंटू कुमार, पुलवामा में शहीद संजय सिन्हा और रतन ठाकुर सहित बिहार के सभी शहीदों को नमन करता हूं। देश में गांधी शांति पुरस्कार के लिए बिहार के लिए बिंदेश्वरी पाठक को नमन करता हूं। उन्होंने बापू के स्वच्छता का संदेश आगे बढ़ाया। देश मुझे यह देखकर खुशी होती है कि नीतीश बाबू जैसे कर्मठ व्यक्ति ने बिहार को कैसे पुराने दौर से निकाला है। नीतीश और सुशील जी की जोड़ी सहित पूरी एनडीए ने इसके लिए बेहतरीन काम किया है। देश पटना में मेट्रो आ रही है, सीएनजी गैस से गाड़ियां चलेंगी और घर घर में पाइप से गैस की सप्लाई होने जा रही है। देश पटना रेलवे जंक्शन को नए रंग रूप में आप सभी देख रहे हैं। सड़क और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को सुगम और सस्ता बनाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट को विस्तार दिया और आधुनिक बनाया जा रहा है। गंगा के माध्यम से बिहार को देश के इलाकों से जोड़ने का काम चल रहा है। देश बिहार में उद्योगों को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना जमीन पर उतर गई है। इसका लाभ बिहार के लगभग 1.5 करोड़ किसानों सहित देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को होगा। देश चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है यह बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब बिचौलिए से मुक्त करने वाली योजना एनडीए सरकार ने आपके चौकीदार ने शुरू की है। देश देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका ये चौकीदार दीवार बनकर खड़ा है। देश के वंचित, शोषित और मध्यम वर्ग के हित में जितने भी फैसले लिए जाने हैं वो डंके की चोट पर लिए जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे। देश यहाँ गाँव और शहरों की सड़कों को, यहाँ के नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हुआ है। जो पुराने पुल हैं उनको सुधारा जा रहा है। नए फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे की पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है, उनका बिजलीकरण हो रहा है। देश मैंने जितनी भी उपलब्धियां गिनाई हैं, वे तब ही संभव हुआ जब हमें आपने अच्छा बहुमत दिया। 2019 तक का समय जरूरतों को पूरा करने का था और आगे का समय देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने का है। देश अगर देश में महामिलावट की सरकार होती तो ना ही गरीबों के लिए काम होता, ना ही विकास होता। इनकी प्रवृत्ति अपना विकास करने की है। देश अटल जी की सरकार में शुरू किए गए कामों की गति कांग्रेस के नेतृत्व में आई सरकार के बाद कम कर दी गई थी। नीतीश जी तो खुद इसके गवाह हैं। महामिलावट के घटक खुद अपने स्वार्थ के लिए जीते, उन्हें देश की कोई परवाह नहीं है। देश हमारी सेना जब देश के अंदर और सीमा पार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर तालियां बज रही हैं। ये लोग आतंकियों पर कार्यवाही के सबूत मांग रहे हैं। सेना का मनोबल गिराया जा रहा है। देश जिस वक्त आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही चल रही थी उसी वक्त 21 विपक्षी पार्टियां निंदा प्रस्ताव पास कर रही थी। देश नया भारत नई नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। अब अपने जवानों की मौत पर हिंदुस्तान चुप नहीं बैठता है, चुन चुन कर बदला लेता है। देश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत आए, भोजन के वक्त हम बात कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि देश तेजी से तरक्की कर रहा है, लोगों के मन में उसी तरह से नई इच्छाएं जगती हैं। मेरे निवेदन पर हज का कोटा बढ़ाकर 2 लाख किया गया। देश मेरे कहने पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने वहां की जेल में बंद 850 भारतीय कैदियों को छोड़ा। मैं इसके लिए सऊदी को धन्यवाद देता हूं। देश आज चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। वे कहते हैं आओ मिलकर मोदी को खत्म करें और मोदी कहता है आओ मिलकर आतंकवाद को खत्म करें। देश मैं भारत को विश्व में ऊपर पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहा हूं और वे मुझे ही हटाने के लिए काम कर रहे हैं।